महिलाएं सुंदर दिखने के लिए महंगी से महंगी क्रीमें लगाती हैं, और अगर ये क्रीमें किसी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी की हो तब तो इनके दाम आसमान को छूते हैं। ये महंगी कंपनी की क्रीमें नकली भी हो सकती हैं, ये आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सोलन में ऐसी ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी लैक्मी के उत्पाद 3 दुकानों पर मिले हैं जो नकली पाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लैक्मी कंपनी द्वारा ही ये रेड करवाई गई, जिसमें कंपनी के अधिकारियों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दुकानों पर रेड की और भारी मात्रा में नकली उत्पाद भी बरामद किए। फिलहाल कंपनी ने सभी नकली माल पुलिस के साथ मिलकर जब्त कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लैक्मी कंपनी की लीगल अटर्नी नैन तारा ने बताया कि उन्हें पता चला था कि सोलन में कुछ दुकानदार लैक्मे कंपनी का नकली माल बेच रहे हैं, जिस पर उनकी टीम ने सोलन का सर्वे किया और कुछ दुकानों में उन्होंने नकली सामान देखा तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस के साथ मिलकर 3 दुकानों पर रेड की, जहां से उन्होंने भारी मात्रा में कंपनी का नकली माल बरामद किया है, जिसमें कई महंगी करीमें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई के तहत पायरेसी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आई एम नयनतारा, कम फ्रॉम बैंगलोर ऑन बिहाफ ऑफ हिंदुस्तान लीवर। यहाँ पे पता चला है कि काउंटरफीट माल बिक रहा है सोलन मार्केट में, उसीलिए हम लोग आके सर्वे करके चेक करके देखा है तो 3 दुकान पे मिली थी, वही जगह पे पुलिस का असिस्टेंस लेके हम रेड किए हैं। किस तरह की जो कॉस्मेटिक है वो? काजल है, लिप लाइनर है, लिपस्टिक है, लिप बाम है, फेस पाउडर, फाउंडेशन, जो भी लेडीज को लगता है सब कुछ मिलेगा। तो स्पेशली ये किसी कंपनी ब्रांड का? लैक्मे, लैक्मे का। तो ये सिर्फ 3 ही दुकान पे क्यों, क्या? 3 ही दुकान पे हम जब सर्वे किए तो देखे कि उन 3ों दुकान पे ही हम सैंपल्स परचेज किए थे और देखे कि वहीं पे माल स्टॉक्स थे करके। तो ऐसा कितना स्टॉक आपको मिला है? 3 दुकान मिला के पता नहीं, अभी काउंटिंग तो चल रहा है, लगभग होगा 250-300 पीसेस तो होंगे। आने वाले टाइम में सोलन में और भी दुकानों में इस तरह की कार्रवाई होगी? होगी, अगर पता चले, अगर कस्टमर कंप्लेंट्स आए तो। तो यानी डुप्लीकेट और जो ओरिजिनल है उसमें क्या फर्क है, कैसे? हम लोग का 3D लोगो, MRP, बैच नंबर, उसमें फर्क आता है। पैकेजिंग का तो है ही, कुछ कुछ सामान है कि हम मैन्युफैक्चर भी नहीं करता है जो लैक्मे के नाम से मार्केट में बिकता है। तो क्या ये ठीक नहीं होता? नहीं, इट्स बैड फॉर द स्किन। नहीं तो किसी का भी अगर डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में तो प्रॉब्लम हो गई, इसमें तो अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मटेरियल से बनता है इन्फीरियर क्वालिटी का होता है वो। तो इस पे क्या यानी कि आपकी तरफ से कार्रवाई? कॉपीराइट एक्ट में केस होगी।